छाता तहसील के नंदगांव ब्लॉक केंद्र पर ब्लॉक प्रमुख के मतदान को लेकर जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी की पत्नी सुंदरी चौधरी ने नंदगांव ब्लॉक पर नामांकन किया। ब्लॉक केंद्र के प्रवेश द्वार सहित परिसर में भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, जिससे किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो सके। नामांकन प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी साथ में मौजूद रहे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उनको नंदगांव ब्लॉक की जनता ने पहले भी बहुत प्यार सम्मान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर बताया कि पार्टी के प्रस्ताव को लेकर वह तय किया गया था कि किसी भी बीजेपी मंत्री के परिवार में से कोई भी सदस्य जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने नंदगांव ब्लॉक की जनता से अपील की है कि वह बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती सुंदरी देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। नामांकन करते हुए हाथ में मौजूद रहे श्री प्रीतम सिंह प्रधान बरसाना नगर पंचायत चेयरमैन, प्रतिनिधि भगवान सिंह नंदगांव नगर पंचायत प्रतिनिधि बच्चू सिंह, जिला पंचायत प्रत्याशी उधम सिंह एडवोकेट मौजूद रहे। वहीं एसडीएम छाता हनुमान प्रसाद मौर्य और नंदगांव बीडीओ की मौजूदगी में नामांकन हुआ। पुलिस प्रशस्ता को लेकर अधिकारी का भारी आवागमन रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिला पंचायत में जिनको किशन सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से प्रयास किया और भारी बहुमत से वो विजयी हुए। अब यहाँ ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिनको प्रत्याशी बनाया है, पूरी तरह से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर ब्लॉक प्रमुख के बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में लग गए हैं। यहाँ नंदगांव विकास खंड से श्रीमती सुंदरी वाइफ ऑफ नरदेव चौधरी को प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मुझे विश्वास है कि हमारे नंदगांव विकास खंड के सभी खंड विकास के मतदाता डीसी अपना पूरा सहयोग और आशीर्वाद दे के उनको सफल बनाया। जिला पंचायत में भी काफ़ी माहौल इस तरीके का रहा है कि एक भी सीट नहीं मिल पाई, टिकट नहीं मिल पाई है, क्या मामला? नहीं नहीं नहीं, ये तो जिला पंचायत में उस समय पार्टी की पॉलिसी थी कि किसी भी एमएलए एमपी या मंत्री किसी के परिवारीजन को टिकट ना दिया जाए, ये एक पार्टी ने नीति निर्धारित की थी। तो पूरे प्रदेश में किसी भी एमएलए एमपी और मंत्री के परिवारीजन को टिकट नहीं दिया गया। अब पार्टी ने ही निर्णय किया है, ठीक है, अब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। पार्टी ने जिन जिन को टिकट देना चाहा है उनको टिकट दिया है, और जिनको टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर तन मन धन से उनको विजय बनाए।